वैदिक होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आंवले का तेल कैसे बनाएं इसकी विधि के बारे में बताऊंगा। आपने इसके लिए क्या करना है, हरे आंवले लें, उन्हें या तो आप कुचलकर या कद्दूकस करके साफ़ कपड़े में निचोड़कर 500 ग्राम करीब रस निकाल लें। किसी लोहे की कढ़ाई में, अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कलाईदार किसी बर्तन में या मिट्टी के किसी चिकने बर्तन में आंवले के रस को डालकर उसमें 500 ग्राम के करीब साफ़ किया हुआ काले तिल का तेल, अगर काले तिल का तेल नहीं है तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं, उसे मंद मंद आग पर पकाएं। जब पकते पकते आंवले का रस का जो जलीय अंश है जो वो भाप बनकर उड़ जाएगा तथा उसमें जो सनसनाहट चरचराहट की आवाज़ आती है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि जब पानी और तेल होता है तो उसमें चरचराहट की आवाज़ आती है। जब तेल उड़ जाएगा सारा तो उसमें चरचराहट की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। जब आवाज़ आनी बंद हो जाए तब तेल को नीचे उतार कर ठंडा कर लें। ठंडा हो जाने पर तेल को आप फनानेल के कपड़े से या किसी बारीक महीन जाली वाले कपड़े से आप छान लें। फिल्टर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छानने के बाद आप इसे बोतल में भरकर रख लें और तेल को उंगलियों के पोरों से बालों की जड़ों में मालिश करें। जब आप मालिश करें, बाल गीले नहीं होने चाहिए आपके, उस समय बाल सूखे होने चाहिए, इससे आपके बाल लंबे, घने, काले और चमकदार बनेंगे। इसकी एक दूसरी विधि और है, अगर आपको हरे आंवले नहीं मिलते हैं तो आप दूसरा तरीका भी है, आंवले के सूखे आंवले का काढ़ा बनाकर भी आप बना सकते हैं तेल। मैं विधि बताता हूँ आपको। इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास हरे आंवले नहीं है तो आप गुठली निकाल कर सूखा आंवला ले लें, इसमें 150 ग्राम के बराबर उसे दरदरा करके कूट लें और 600 ग्राम पानी में रात को किसी लोहे के बर्तन में या किसी मिट्टी के बर्तन में आप भिगोकर रख दें। 15 घंटे के करीब भीगने के बाद आंवला सहित पानी युक्त बर्तन को हल्की आग पर पकाएं। जब पकते पकते पानी आधा रह जाए तब उस आग पर से उसे उतार लें और ठंडा कर लें। इसके बाद आंवले के को आप हाथ से मसल कर किसी बारीक कपड़े से छान लें। अब आप इस छने हुए पानी को किसी अन्य बर्तन में डालकर उसमें 500 ग्राम काले तिल का तेल, अगर तिल का तेल नहीं है तो नारियल का तेल डालकर आग पर पकाएं। जब केवल तेल शेष रह जाए छानकर किसी कांच की बोतल में भर लें। आंवले का इन सभी प्रकार से उपयोग करने से आपके बाल घने, काले और लंबे चमकदार होंगे, बल्कि इससे आपका सिर दर्द, आँखों को फ़ायदा, मस्तिष्क की ताजगी, नज़ला, मानसिक दुर्बलता, त्वचा के अनेक रोगों में, और इससे त्वचा आपकी कांतियुक्त होती है और कोमल बनती है। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आने वाले न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।